हरिद्वार से हैं ब्रज श्री कुंज मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत श्री ब्रज श्री कुंजी जी महाराज की। जय। सर, मेरे को ना नींद नहीं आती रात में, तो वैसे तो मैं दवाई लेती हूँ, पर मैं उसको छोड़ना चाहूँ। आप जैतून का वो बताते हैं सिरका, लेकिन मेरे को खट्टी चीज बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मैं ऑरेंज तक नहीं खा सकती, नहीं ठीक है, तो ठीक है, मैं वो खा लू अंगूर वगैरह कुछ, लेकिन वो भी नहीं मैं ले सकती। ठीक है प्लीज मैम, आप बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ इस नींद की वजह से। ठीक है, ठीक है। जी हाँ, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी और ठंडी चीज़ नहीं चलती। ये नुस्खा उन लोगों के लिए नहीं था जिनको ठंडे मिजाज के जो लोग हैं। तो आप एक चम्मच खशखाश, खूब सारी खशखाश पीस कर रख लीजिए ग्राइंड करके, और एक चम्मच खशखाश और आधा ग्राम या 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, आप इसे रात को दूध में मिलाकर ले सकते हैं और रोज़ाना एक बार ले लिया करें। आपको खूब ऐसी गफलत की नींद, और जैसी नींद होनी चाहिए वैसी नींद आएगी। थोड़ा सब्र करें तो आपको फायदा मुमकिन है। कर्नाटक से हैं साबरा, स्वागत है आपका। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वाले मैम। सलाम। मुझे अप्रैल में मुझे सर का बहुत दर्द है माँ, कि कनपट्टी नहीं है मेरी, मेरे रंगा टाइट हो गई, मेरे पाँव का दर्द, कंबर के नुकसान से बैठने आता नहीं मुझे, ठीक है, ठीक है। जी। बहुत तकलीफ है मेरी जान को, बहुत तकलीफ है मुझे। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही थी, मुझे नई फोन नहीं लगा, आपने मुझे लगाए, बहुत मुश्किल में ही हूँ मैं। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है मोहतरमा, देखिए, यहाँ पर एक उम्र आती है जहाँ 40-45 साल 50 साल, तो ये रोग ये बीमारी सबको होने लगी। कमर में दर्द और गर्दन या सर में दर्द, तो एक इलाज है, एक एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आप समझ लें। ऐसे बैठें बिल्कुल मेरी तरह, और ये कान आप अपने मोढ़े से लगाइए, बार बार लगाइए, और पूरे दिन में ये एक्सरसाइज 3 मिनट करनी है, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक ये देखिए, ये ठोड़ी यहाँ से पकड़ के, ये देखिए यहाँ तक आ जाती ऐसे, ये भी 3 मिनट करें। तो ये आपके कान के पास दर्द और खिंचाव और दर्द और सर दर्द, इसका इलाज है ये। रोज़ाना पूरे दिन में 3-3 मिनट करनी है। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो पूरे दिन में कर लें, एक एक मिनट करके 6 बार में 3 मिनट कर लें, घड़ी देख के ईमानदारी से। और फिर एक आता है गौन स्याह, गौन स्याह असली खरीदें, और ये नकली बहुत मिलता है, 15-16 रुपए का आता है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी से या दूध से खा लें, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी से या दूध से खा लें, बस काफ़ी है। कहीं भी दर्द हो, कहीं भी खिंचाव हो, चाहे घुटनों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, ये अगर 100 ग्राम भी असली लेने में आप कामयाब हो गए तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।